सोनू टैक कैसे भाई कुछ भी है भाई बशीरा, आज तो मजा आ गया। कैसे मलूका? मलूका क्या बात, दरअसल ये है कि देखो आज लट तो गड़ा है, लेकिन लट आधा गड़ा है। आधा गड़ा है? हाँ, और पूरा लट तब गड़ेगा जब कोल्ड ड्रिंक सोल्ड ड्रिंक मिलेगी। ए मेरे ससुरे, तू रखी कोल्ड ड्रिंक, जा और जाके ले आ। अरे भैया ये बात है, तो मैं आंधी की तरह गया और तूफान की तरह वापस आया, तू यहाँ देख मैं भी आया। अरे भैया तो दो कोल्ड ड्रिंक दे दो। हाँ थैंक यू, पैसे लिख लेना। अरे भाई, अरे अरे रे भाई, अरे मर गया। अरे रावणो, पहले ये बताओ कि ये मजाक था या सीरियस था? ये मजाक नहीं, सीरियस था। अच्छा, मजाक करते नहीं, ये समझ लेना। अरे सत्यानाश को मार दे रे, अरे बिना छोड़े। अरे मेरे ससुरो, केले को मिलकर चार चार मार रहे हैं। अब देखो मारी बॉडी, अब देखू मैं तुम्हें, देख मारी बॉडी। सूरज तो जा, अरे मार दे रे भैया, सूरज वो बचा ले, अरे वो सूरज बचा ले। ये लाठी से मारी जैसे तलवार की धार, तभी लोग मुझे कहते हैं गबरू गवार। बात किसी की ना माने, लाठी की भाषा वो जाने, दोस्तों पे लुटाए प्यार, दुश्मनों से परे यार पार। गबरू गवार, गबरू गवार। बहुत शरारती हो गया है। मम्मी बच्चों की सुनो, प्रभु तुम्हारी सुनेगा, तुम ज्यादा प्रसाद दोगे तो वो दसवा देगा। ये ले, अब मत मांगना, बदमाश कहीं का। चुप रह, बदमाश कहीं का। लो प्रसाद। अरे अरे बस बस। गाल मारे टमाटर, ओ चाल मारी शराबी, ओ मारी कमसिन उमरिया और नैना गुलाबी। वही वाह बशीरा वाह, क्या बात है। ओ मलूका,
अरे बोल तो सही बेटा बशीरा बोल। हाँ, एक बात तो बता। अरे एक क्या तू दो पूछ। ना मैं तो एक ही पूछूं, दो के पूछूं? आजकल मैंने एक के साथ दूसरी बात फ्री कर रखी है। ये बात ओ मल्लू का तूने कुछ सुनी? अरे मैंने हाँ सुनी। तूने कहा सुनी? जो थम ने कही वो मारे ने सुनी। मैंने तो कुछ कही ना। मैंने भी कुछ सुनी ना। कहता है सुनी ना सुनी, सुनी ना सुनी, सुनी ना सुनी। ओ मलुका, ओ मलुका। हाँ बोल 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 बोल। हाँ बोल। अरे पीछे को देख। पीछे? अरे मेरे सुतरे खड्डे में देख। ओए हो तू यहाँ क्या कर रहा? ओ ये लो, आ गया ना अपनी औकात पे। अरे थम को कितना समझाया था कि अपनी औकात से बाहर मत निकला करो, पर काहे के खड्डे का कीड़ा खड्डे में ही राजी रहता है। मेरे सुतरे भाषण बंद कर ले कतई। तो ऊपर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, तो ऊपर आ जा। बशीरत तुम्हारे बिना तो हम भी अधूरे हैं, मलू का पूरा अधूरा है। हाँ, आज का आज तन्ने मुझे बिठाया, कल भगवान तन्ने उठा ले। हाँ ठीक है ठीक है। सूरज सूरज अपने गांव के बाहर होटल है ना, होटल वहाँ में शहर थे ना, छबीली आई है आहा, और जबरदस्त नाच गाने का प्रोग्राम है। अच्छा रे, हाँ गांव तक सब गए हैं, बड़े बच्चे बूढ़े सब गए हैं। अच्छा बैठ तो। हाँ, चल चल जल्दी चल जल्दी चल चल। जल जाऊंगी, खुद की आग में ही जल जाऊंगी।
राजा, एक दिन मैं भी निकल जाऊंगी, हाथ ना पकड़ मैं मत चल जाऊंगी, मैं हूँ दुनाली राजा चल जाऊंगी, मैं हूँ दुनाली राजा चल जाऊंगी। कोई और पंजा लड़ाने वाला, रुक जा रे। इन बालकों को हरा के ज्यादा तगड़ा पहलवान बन रहा, तो तू ज्यादा बड़ा शेर बन रहा, तो आ जा। सारे की एक थप्पड़ में लटूरी नबीन लोगों सबरीन ने, आ जा आला डाल अपने फूफा पे, आ जा आ जा चल, आ जा सूरज 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 सूरज। बहुत बड़ा मर्द बन रहा है, इन बालकों ते पंजा लड़ा रहा है। जग्गा ते पंजा लड़ा, जग्गा ते जग्गा बतावगा तुझे, तो कितना बड़ा मर्द है। जग्गा, दूर दूर तक तो कोई है ना जो सूरज का पंजा गेर दे, तेरी तो औकात के है। आजा 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 आजा। गया, तूने जग्गा को हराया है, तू गया, जग्गा तेरे जीवन में कहर बन के उतरेगा सूरज। जग्गा न्यूकर, निकल ले यहां से, एक मिनट में गोल कर दूंगा जग्गा फग्गा को। ये दरिंगे लाठी लैयर बसीर लाठी है। भैया दूसरे का गुस्सा इस दारू पर क्यों? हीरा, सूरज, उस सूरज को तो अब अस्त होना ही पड़ेगा। हीरा जग्गा भैया, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, इस सूरज का नाम मैं धरती से मिटा दूंगा। अरे नहीं रे, दुश्मन को एक ही झटके में खत्म करने का के मजा, उसको तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, तड़पा तड़पा के। तो ये हुई ना जग्गा भैया बात, हो जाए तो फिर हो जाए, एक एक जाम और। चीयर्स। अरे तुषार,
अरे वे के करन लग रहा है जी, मैं तो नहा रहा हूँ। नहा रहा है? अरे पर तू तो पढ़ रहा है। चाची जब आपको पता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर पूछ रहे हो। अच्छा के पढ़ा तन्ने? बताऊँ क्या पढ़ा? हाँ बता। जब जब प्यास लगती है उसके आने की आस लगती है, जब जब प्यास लगती है उसके आने की आस लगती है, प्यार में इतने दीवाने हुए हम, हर लड़की की मां सास लगती है। अरे मेरे ससुरे तू तो मारा भी फुप्पा निकलेगा। तेरे ही लाड प्यार में बिगड़ रहा है तू। सर तू भीतर जा पढ़ाई कर। सूरज आज तन्ने फिर जग्गा से झगड़ा करा? झगड़ा? अरे भाई हम तो बस पंजा लड़ा रहे थे। अरे इन बातों से ही तो झगड़ा बढ़ता आप अगले। अरे भाई तुम भी पिताजी की तरह बोलने लगे। अरे नहीं रे, हम सब चाहवे हैं कि तू किसी से झगड़ा ना करे, आराम तरे। तुझे क्या चाहिए तू हम तो बोल, हम देवेंगे तुझे। अच्छा भैया जो तुम कहोगे वो ही होगा। हमारे सूरज की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हमारे सूरज की धरती। शाबाश लगे रहो। ए बसीरा कैसे ढीला पड़ गया? ऐ लगा रहे काम कर रहे भाई काम। आज घर वाले खुश कर देने कतई। लगे रहो। ओ खुद तो खेता नहीं कोड़ते। लगे रहो। हाँ शाबाश। अरे कर दिया सत्यानाश। पिताजी आज सारा काम कर दिया। ओम। हाँ बेटा तूने बहुत बढ़िया काम किया आज। आजा जो दिया वही तो वही लो। जाने खेत किसका है यू? मारा ही तो है और किसका होता? बताऊं किसके? ये हीरा के खेत है। सूरज यहाँ तड़की तो सांझ होगी, इन खेतों को जोतते जोतते यहाँ तो हो लो खेत जोतती है। मेरे बिना होती ऐसी जिम्मेदारी? जा रहा हूँ मैं तो। जा तुषार का बच्चा सारे कपड़े मैले कर देता है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब साफ कपड़े पहनता हूँ। बाबी यू कौन पहलवान बिठा रखा, घर में खाड़ा खुदवाओगी के? देखना सूरज तू हमेशा मजाक क्यों करता है हर एक के साथ। अरे बाबी मजाक नहीं, या तो ऐसे लगे जंडारा सिंह की फूफी। सूरज तू ये गंवारपन कब छोड़ेगा? अरे गंवारपन के ले हम तो जा रहे हैं, ऐसा लगे जन धोबी पटका देगी हमें। ले हम तो जा रहे। Yeah.
भैया, इस सूरज की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। भैया, इस सूरज नाम को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ना रहेगा पास, ना बजेगी पासी। बिरजू, आज उसका भाई बीच में ना आया होता तो चीर डालता साले को। हर बेइज्जती का बदला लिया जाऊंगा, हर बेइज्जती का बदला लिया जाऊंगा। सूरज, ये क्या हो रहा है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तेरी नहीं तो क्या गलती हमारी है? उसने मेरी लाठी को ललकारा था, मैंने ठोक दिया। चुप हो जा सूरज। देख सूरज। पिताजी आप शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ इसे। तो देखना कौन आया बाहर। अच्छा मैं देखता हूँ। आओ फूफा जी। आओ रिश्तेदार। ऊपर राम राम। सूरज पानी लेके आ। चौधरी साहब, माहौल में इतनी गर्मी क्यों है? अरे क्या बताऊं रिश्तेदार, अपना सूरज है ना। हाँ हाँ। रोजाना लड़ाई झगड़ा करता रहता है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बच्चा है, समय आने पर सुधर जाए। देखो कब संभलेगा। ले फूफा ले, ले पानी पी ले। भाई इसमें ना कतई भी दिमाग का खोज रहा, कतई गवार का गवार। या मैं पानी पिलाएगा, जा गिलास है लेके आ। अरे भाई बशीरा, अरे की है मलूका? अरे भाई क्या बताऊं, ये भैया कुछ कर ले। ये कर लूं? ये कर लूं? अरे भैया कुछ कर ले, ये गाड़ी ऐसे कब तक चलेगी? मेरे ससुरे चलेगी, अगर ससुरी में पेट्रोल गिरेंगे तो चलेगी। अरे पेट्रोल तो वैसे ही बहुत महंगा हो रहा है। ये देख हमारा भैया, देख कैसे देवदास की मूर्त बड़ा बैठता है। अपने गांव में ना वो हीरा की लुगाई लुगाई आइए ले आ रहे करे। अब तू ये कहेगा कि इस देवदास को पारो के पास ले चले। ये कहेगा ना? मैं नहीं कह रहा, देवदास ही पारो के पास ले चले। पास ले चलते हैं। लेकिन ये बता, वो इस देवदास के लिए पारो मिलेगी तो मिलेगी कहाँ? मेरे सुतरे, ये तो मेरा सोची ना। सोचता कैसे? हाँ सोचता कैसे, अकल है तेरे पास? अकल से सोचता बात कर। क्या बोला? क्या बोला? मैं सही बोला, बहरा है क्या? मेरे ससुरे का सुन रहे हो तुम? चले जो तूफान आने के पहले की शांति है, और अब देखेगा सूरज का गुस्सा। हाँ ये बात। और जब सूरज का गुस्सा देखता है ना तो बड़े बड़े ज्वालामुखी देख जाते हैं। सही कह रहे थे भैया, तुम सही कह रहे थे। तुम सही कह रहे हो भाई, हम है तुम हम अरे गैल में तमें भी सूरज, तमें भी ब्रह्मांड, तमें भी सर्वम दे। चलो आंदे साले को निकलेगा तो यहीं को आज देख लेंगे। ठीक है भाई आने दो। जरे या के बदतमीजी भाई। बदतमीजी? मैं झगड़ा नहीं चाहता, वरना हाथ मेरा भी उठ सकता है। जग्गा भैया, यह है सुधीर भैया।
सुधीर भैया रोक ले अपने भाइयों को। जग्गा पे हाथ उठाए, जग्गा पे हाथ उठाए।
है छाया है गबरू गवार, गबरू गवार, गबरू गवार, अरे गबरू गवार, गबरू गवार, हे गबरू गवार, गबरू गवार, अरे गबरू गवार। सूरज, मैं तेरी रोज रोज की लड़ाई से नाक तक झिक चुका हूँ। अगर मुझसे इतनी नाक तक झिक गयो ना तो जा रहा हूँ मैं यहाँ ना घर में। देख कैसे बोल रहा है। के तू जग्गा को जानते मार देता, तुझे कितनी बार समझाया कि रोज रोज की लड़ाई झगड़े थे, मारी गांव में कितनी थुत्थु होवे। भैया आप पर हाथ उठा कर ना, उस जग्गा ने अपनी मौत को दावत दी है। वो तो आप बीच में आ गए, वरना उसे वहीं चीर देता। तू मेरे सामने से चला जा, आज मेरे सिर पे खून सवार है, जा चला जाए यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। जिब मैं वह जग्गा फग्गा पे पिटके आ जाऊँ, जिब तो खुश हो तुम, जिब तो नाक ना कटती थारी। हाँ जा रहा हूँ। पिताजी वो तो जग्गा ने मेरे पे हाथ ठाया था, उसमें सूरज की कोई गलती नहीं। चौधरी साहब यदि मेरा कहा मानो तो मेरे पास एक सुझाव है। कहो रिश्तेदार, तुम भी कहो। क्यों ना सूरज को मैं शहर ले जाऊँ, वहाँ पर मेरे साथ रहेगा और मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाएगा। सूरज कभी गांव तक बाहर गया नहीं, कि वो शहर में रह पाओगा। बेटा समय सब कुछ सिखा देता है। रिश्तेदार ये सही रहेगा। एक बार और सोच लो पिताजी। सोचना क्या, फैसला हो गया। रिश्तेदार यही ठीक रहेगा, सूरज को अपने साथ ले जाओ। ठीक है पिताजी, जैसा आप लोग उचित समझे। ठीक है तो तय हुआ कि एक हफ्ते बाद मैं सूरज को अपने साथ शहर ले जाऊंगा। सूरज, 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 मेरे भाई ये क्या हो गया यार? सूरज थारे बिना मानो क्या होवेगो बता। सूरज तू कुछ बोलता क्यों नहीं यार, कुछ बोलना यार, हम सब तो बचपन से बड़े बड़े संग संग। बता तुम लोगों को क्या लगता है? बता मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? रहूंगा मैं तुम्हारे बिना। सूरज थम के तो हम भी थारे साथ चलें। अरे एक से भले तीन सही। हाँ नहीं, ये सजा सिर्फ मुझे मिली है, सिर्फ मुझे। भैया मैं छोड़ के मत जा, तू हम कैसे रहेंगे यार, मैं छोड़ के मत जा। सूरज मुझे जाने दो, मुझे जाने होगा। भैया मत जा यार, मैं छोड़ के मत जा। सूरज रुको, सूरज रुको, सूरज हमको छोड़ के चला गया, हमको छोड़ के चला गया। सूरज हमको छोड़ के चला गया, सूरज हमारे बचपन के साथी छोड़ के चला, हमारे बचपन के साथी चला गया सूरज।
तुम्हारी मम्मी पापा आ गए। अरे बेटा सूरज, सूरज आ गया मेरा बेटा। अरे सूरज भैया आओ। राम राम बेटा, राम राम, जीमते रहो। आजा बैठ, बैठ बेटा बैठ। और बेटा गांव में सब ठीक है? हाँ गांव में तो सब ठीक है। अच्छा सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और भैया भाभी ठीक है? तुषार बेटा कैसा है? वो भी ठीक है। और लता कैसी चलन लाग रही तेरी पढ़ाई? बस भैया बहुत अच्छी चल रही है। अरे सरोज इसे कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी या सिर्फ बिठाए रखोगी? हाँ हाँ खिलाऊंगी क्यों नहीं, मेरा भतीजा आया है, मेरा सूरज आया है। जाओ बेटा कॉफी वगैरह ले आओ भैया के लिए कुछ। अभी लाई मम्मी। सूरज तुषार को क्यों नहीं लाया साथ में? भूपी उसके पेपर चल रहे थे, कुछ खाने को ले आओ, भूख लग रही है वो बहुत तेज। मेरे भतीजे को रास्ते में कुछ खिला पिला ना, नहीं कुछ लाए? ना खिलाया इन्होंने, ना खिलाया। चलो हम खिला देते हैं अपने बेटे को, ये तो कंजूस ही हैं। लो भैया, लो बेटा कॉफी पियो, आप भी लीजिए। सुनो सरोज, आज से सूरज हमारे ही साथ रहेगा, इसका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दो। कहाँ आयु? भैया ये कॉफी है। कॉफ़ा है, मोहर फगवा दिया हमारा तो। अरे बेटा जल गया मुँह तो जल गया, अब जल्दी से जाके नहा धो के फ्रेश हो जा बेटा, थका हुआ आया है तू। जा बेटा नहा धो ले जा। ओ फुफ्फा, ओ थारी छत। क्या? चलो भैया मैं देखती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे मम्मी भैया तो बिल्कुल बुद्धू हैं, वो तो नहाने का फव्वारा है। अरे हमें के पता, तुमने छत में मेरे फिट करा रखा। अरे बेटा सूरज जब यहाँ रहोगे तो सब समझ जाओगे, आओ बैठो। अरे फुप्पा जी आज इतने गुमसुम क्यों बैठे हो तुम? क्या बताऊं बेटा, लड़कियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, कॉलेज का माहौल कितना खराब हो गया है बेटा। यही माहौल देखे हमने भी, हम देखे कौन खावे छोरी को। मैं ले जाऊंगा कल तक कॉलेज उसे, मैं ही लाऊंगा और मैं ही छोड़ के आऊंगा। ठीक है बेटा, कल से तुम्हारा यही काम है कि लता को कॉलेज लेकर आना और छोड़ कर आना तुम्हारा ही काम है। चल रही कोई दूध दाद लिया, हम छोड़ के आवेंगे तुझे कॉलेज। अब कितनी दूर है तेरा कॉलेज? बस थोड़ी ही दूर है भैया, जल्दी चलो ना मैं लेट हो रही हूँ। अरे तू बैठ तो सही, लेट हो रही है। लता, रागनी इनसे मिलो, ये है मेरे भैया सूरज। हेलो। राम राम बहरी। Hey!
कॉलेज के पहले दिन ही हो गया धमाल, कॉलेज के पहले दिन ही हो गया धमाल, और एक परी कॉलेज में आई हिरनी जैसे जाल। कॉलेज के पहले दिन ही हो गया धमाल, कॉलेज के पहले दिन ही हो गया धमाल, एक परी कॉलेज में आई हिरनी जैसे चाल। तेरे तीखे नैन गोरी जादू सा कर डाले, बिन पिए ही चढ़ जाते हैं नैनों के दो प्याले। हाय तेरे तीखे नैन गोरी जादू सा कर डाले, बिन पिए ही चढ़ जाते हैं नैनों के दो प्याले। हो ना जाए तेरी खातिर आज कहीं बवाल, हो ना जाए तेरी खातिर आज कहीं बवाल, एक परी कॉलेज में आई हिरनी जैसे चाल। जादू कैसा छोरी तूने हम पे आज चलाया, फुर्सत से ऊपर वाले ने अंग अंग तेरा बनाया। जादू कैसा छोरी तूने हम पे आज चलाया, फुर्सत से ऊपर वाले ने अंग अंग तेरा बनाया। तेरी एक अदा ही कर दे सबका बुरा हाल, तेरी एक अदा ही कर दे सबका बुरा हाल, एक परी कॉलेज में आई हिरनी जैसी चाल। तेरे पीछे ओ हसीना आशिक बन हम डोले, आई ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट कोई डार्लिंग तुझको बोले। हाय ओ तेरे पीछे ओ हसीना आशिक बन हम डोले, हाय ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट कोई डार्लिंग तुझको बोले। बच के निकले ना कोई तेरे हुस्न का ऐसा जाल, बच के निकले ना कोई तेरे हुस्न का ऐसा जाल, एक परी कॉलेज में आई हिरनी जैसे चाल। कॉलेज के पहले दिन ही हो गया धमाल, हो गया धमाल, एक परी कॉलेज में आई हिरनी जैसे चाल। कल ही गाँव से आए हैं, वो तो दिख ही रहा है। चलो किसी को कुछ तो दिखा। और भैया ये है मेरी सबसे प्यारी सहेली रागिनी। अच्छा बाय भैया।
कौन है आप? किससे मिलना है आपको? पहले मुझे ये बताइए, इस कॉलेज का प्रधान कौन है? कॉलेज में प्रधान नहीं होता, प्रिंसिपल होता है। जो भी हो, संभाल लीजिए इनको। क्या हड़दंग मचा रखा कॉलेज में? किसी की इज्जत बेइज्जती नहीं होती यहाँ? कैसे पढ़ाते हो अपने छात्रों को? हा हा हा, कोई बाहर से आए तो हंसने लगे। चलिए ठीक है, मैं देखती हूँ, आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्वीटहार्ट, चल बे भीड़ू, निकल निकल निकल। अरे यार कैंटीन चल रहे, वहाँ बैठेंगे। ए, क्या घूर क्या रहे? अरे हाँ, तूने रिया से नोट्स ले लिए थे? हाँ मैंने वो नोट्स ले लिए हैं। अब साइड ऑफ है, अपना माल आ रहा, निकल। अरे वो सपना कहाँ गई? ओए लता जी, कैसी हैं आप? बाय द वे, वो कार्टून कौन था? प्रदीप, तमीज से बात करो, वो मेरे भाई हैं, गांव से आए हैं। अले मेरा बेटा नाराज हो गया? ओफ, और रागिनी जी माशाल्लाह, क्या लग रही हैं आप। तुम्हारी आंखें एक धोखा है प्रदीप, तुम्हें तो हर वक्त हर लड़की खूबसूरत ही लगती है, इलाज करो अपना। जानती नहीं है कौन है भाई? ये भाई किसका? मेरा। ओ मैम, ये आपका भाई नहीं है, कॉलेज का भाई है, कॉलेज का। जानती नहीं इसके भाई को? दिल्ली सलाम करती दिल्ली। चल छोड़ना यार, काय को बंकस कर रहे है। चला फिर चाय पीते हैं, इनके मुंह नहीं लगना। चलो चला फिर कैंटीन में बैठते हैं। नखरे तो देखो इनके, आओ भाई आओ। कैसी हो पूजा जी? देखो बच्चों, ये है लता का भाई सूरज। क्या नमूना है? क्या नमूना बना रखा है लता का भाई सूरज। ये क्या किया है तुम लोगों ने? तुम लोगों ने मेरे भाई की हंसी उड़ाई है? क्यों किया है तुम लोगों ने ऐसा? लेकिन याद रखना, एक दिन मेरा भाई तुम्हें कुछ बन के दिखाएगा, याद रखना। अरे लता आई भैया। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो भैया? करंट लग जाएगा। अरे तेरी का, इसमें करंट भी आवे? लता, अरे बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को लिया? लाई भैया। ऐस कर थोड़ी न्योनी रख लियो। ये न्योनी क्या होती है भैया? बाप बहुत अमरीका में रह रही है, तुझे न्योनी की ना पता? चल रहे तू। बस भैया मैं कुछ नहीं जानती, अब आप ये धोती कुर्ता नहीं पहनोगे बस, और ना ही ये गवारू भाषा बोलोगे बस, मैं कुछ नहीं जानती। अरे तू तो बड़ी बावड़ी है, के खराबी धोती कुर्ते में? अरे भैया जब आप ये पहन के जाते हो कितनी शर्म आती है मुझे, पता है आपको देख के सब हंसते हैं। तो ठीक है, मैं भी आज के बाद कॉलेज नहीं जाऊंगी। तू तो बड़ी पागल लता। ओ बुब्बी, देखे छोरी तो पागल होगी दिखे, इसे समझिए कुछ। अरे बेटा ये सच है, आजकल शहर में धोती कुर्ता पहनता ही कौन है? लो पैसे और जाके अपने लिए कपड़े ले आओ। ठीक है, कल मैं फूफा जी के साथ जाऊंगा। नहीं, कपड़े खरीदवाने मैं जाऊंगी, अपनी पसंद की। अरे देखती चाहिए, ये छोरी के बना के छोड़ेगी मन में? भैया आप भी देखते रह जाओगे, और उस रागनी की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ चलो रोटी पानी लिया, भूख लग रही है, जा। हाय रागनी जी। आय हाय, आज तो बड़ी हाय शाय हो रही है, क्या बात है सूरज जी? ऐसी तो कोई बात नहीं है। और हाँ सूरज जी, वो आपका धोती कुर्ता कहाँ गया? अरे वो तो लता जिद करने लगी सो। एक राज की बात बताऊं? वैसे आप उस धोती कुर्ते में ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा रागिनी जी, पर लता तो कह रही थी कि। लता क्या जाने, खूबसूरती क्या होती है। एक बात कहूं रागिनी जी? बिल्कुल। आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो,
अच्छा तो ये बात है, लेकिन सूरज जी आपने शक्ल देखी है अपनी? अरे वो तो मैं रोज ही देखता हूँ शीशे में। आप शीशा भी देखते हैं? बड़े छुपे रुस्तम हैं। रागनी क्या बात है, बड़ी खिंचाई कर रही हो मेरे भाई की। ऐसा कुछ नहीं है लता, वो तो तू पीछे रह गई थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास ही कर लूं। चल लता बाय। प्रणाम भैया। जय महाकाल। प्रणाम भैया। हीरा बैठ। आ भाई हीरा मेरे पास आके बैठ। हीरा कैसा? सब ठीक है भैया। आ जगह, कैसा है तू? ठीक हूँ भैया। अच्छा छोटा मेरे पास पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ पर तू ये बता, गांव में किसी से लफड़ा हुआ क्या? अरे नहीं भैया, छोटी मोटी बात थी। गवार था ससुरा गांव का, सुना है डर के मारे कहीं भाग गया है शहर। वो माल की खपत थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ा माल बढ़ा देना। और ये बालक कोई माउजर वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, भिजवा देना दो तीन। तू चिंता मत कर, मैं भिजवा दूंगा। लौंडे का पता लगाओ, कौन है लौंडा, किस शहर में छुपा हुआ है पता लगाओ। ठीक है भैया। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम, अपना ख्याल रखना है। जय महाकाल। भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। विक्की ब्रीफकेस खोलो, जितना पैसा इसको चाहिए दो। जाओ। हाय भैया। जा ऐश कर। लो पकड़ो भैया। अरे रागिनी जी आप? हाय कैसे हैं सूरज जी? जी ठीक हूँ। और आपकी हाय शाय कैसी है? अच्छा रागिनी जी आपको मेरी हाय शाय अभी तक याद है? लता कहाँ है? लता वहाँ है। हाय लता। अरे रागिनी तुम आओ। मम्मी रागनी बैठो बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। फूफा जी आओ आओ खेलते। इधर आ जा। अच्छा बच्चों आप लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। लता एक बात बता, तूने अपने सूरज भैया का कोई ट्यूशन लगवा रखा है क्या? रागनी तू नहीं सुधरेगी। अच्छा ये बता कल के फंक्शन की क्या तैयारी है? मैं तो भूल ही गई थी, वही तो बताने आई थी। हाँ तो बताना। कल कॉलेज ठीक 8 बजे पहुँच जाना। और हाँ अपने सूरज भैया को भी साथ में जरूर लाना। हाँ क्या बात है, आजकल मेरे भैया की बड़ी बात करती हो। राज की बात है, कल कॉलेज आ फिर बताती हूँ। रागनी कहीं तुझे मेरे भैया से इश्क तो नहीं हो गया? कुछ ऐसा ही समझ ले। अच्छा चल मैं चलती हूँ, कल कॉलेज ठीक टाइम पे पहुँच जाना। ठीक है। और हाँ सूरज जी आप भी कॉलेज जरूर आइएगा लता के साथ। रागनी मैं जरूर आऊंगा कॉलेज। ठीक है तो मैं चलती हूँ, बाय लता। मैं आपको छोड़ के आऊँ?
नहीं थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे ना, मैं छोड़ जाऊंगा। थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। हमारे पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट नाउ मे आई हैव योर स्पेशल अटेंशन, क्योंकि हमारे बीच मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के मशहूर फनकार श्री सूरज चौधरी जी, और अब मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपनी मधुर आवाज में एक खूबसूरत नगमा पेश करें। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री सूरज जी का। सूरज चौधरी जी आइए। थैंक्स टू रागनी जी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाई डू यू हेट वी विलेजर्स एंड अवर कल्चर? वाई वाई यू क्रिएट सच थिंग्स कि जो हमारा कोई अपना रो पड़े? आई एम नॉट ए ग्रेट मैन and not even a good singer, but I am proud of my Haryana state and show off my village culture. और जहां तक गाने की बात है, दूर गांव से आया हूं मैं, जाट ये सीधा साधा, रंग सबको रंग दूंगा अपने, ये है तुमसे वादा। चीज क्या हूँ भैया तुमको आज ये जाट बताएगा, ताल पे अपनी गबरू सबको ताता थैया नचाएगा। चीज क्या हूँ भैया तुमको आज ये जाट बताएगा, ताल पे अपनी गबरू सबको ताता थैया नचाएगा। चीज क्या हूँ मैं, चीज क्या हूँ, अपनी मिट्टी के ही गीत सुनाएगा, ताल पे अपनी गबरू सबको ताता थैया नचाएगा। चीज क्या हूँ भैया तुमको आज ये जाट बताएगा, ताल पे अपनी गबरू सबको ताता थैया नचाएगा। चीज क्या हूँ चीज क्या हो कपड़ा पहना आधा है, और तरीके क्या होते हैं तुमको आज सिखाएगा, ताल पे अपनी गबरू सबको ताता थैया नचा।
आज ये जाट बताएगा ताल पे अपनी गबरू सबको ताता थैया नचाएगा। चीज क्या हूँ मैं चीज क्या हूँ है क्या झूठ है भैया तुमको आज दिखाएगा ताल पे अपनी गबरू सबको ताता थैया नचाएगा। चीज क्या हूँ भैया तुमको आज ये जाट बताएगा ताल पे अपनी गबरू सबको ताता थैया नचाएगा। चीज क्या हूँ मैं चीज क्या हूँ चीज क्या हूँ मैं चीज क्या हूँ और चीज क्या हूँ मैं चीज क्या हूँ। सूरज जी बस बस रागिनी, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना तो तुम्हारी खूबसूरती पर मर मिटा था मैं। मुझे नहीं पता था इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी ईर्ष्या छुपी हुई है। अरे तुम शहर वालों से तो हम गांव के गवार लाख दर्जे अच्छे हैं, लाख दर्जे। कभी हमारे गांव आकर देखो तो मैं अपनी पलकों पर बिठा लेंगे, हंसेंगे नहीं तुम्हारी तरह। प्लीज सूरज, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई थी। और ना ही समझो तो ही अच्छा है। चल लता। हाँ सत्या भैया। हाँ जग्गा। अरे पकड़ ले तेरा भगोड़ा। पकड़ के रखना साले को सत्या भैया, बहुत दौड़ाया है साले ने। हाँ हाँ, अरे जल्दी आकर अपना हिसाब किताब चुकता कर ले। हीरा गाड़ी निकाल, सत्या भैया ने बुलाया है। और हाँ वो लाल रंग की डायरी काट ले जरा। डॉक्टर साहब ये मर जाएगा, इसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ये मर जाएगा, इसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ये मर जाएगा। कौन है ये? डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता ये कौन है। कहाँ मिलेगा? डॉक्टर साहब ये बाहर रोड पर पड़े थे और मैं इनको उठाकर ले आया। डॉक्टर साहब आप मेरा ब्लड ले लीजिए। Thank you.
डॉक्टर, मेरे पापा की तबीयत अब कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं बेटा, उनका ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि उनके सर और हाथों में चोट आई थी, पर अब उनकी सिचुएशन स्टेबल है। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे? अभी हफ्ता 10 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू तो आप मिस्टर सूरज का कहिए। सड़क से उठाकर और अपना खून देकर उनकी जान बचाई, अगर ये खून नहीं देते तो हम उनका ऑपरेशन कैसे कर पाते? जी सूरज, सूरज थैंक यू। सूरज, मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले, मुझे माफ कर दो। अब क्या करोगी रागिनी? अब इस गवार का खून तुम्हारे पिता की रगों में दौड़ रहा है, नफरत करोगी उनसे? मुझे और शर्मिंदा मत करो सूरज, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे अनाथ होने से बचाया है सूरज, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, तुम कितने अच्छे हो सूरज। नहीं रागिनी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, वो इत्तेफाक से तुम्हारे पिता निकले, अगर कोई और होता तब भी मैं वही करता। सुनो सूरज, मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें सताना, तुम्हें परेशान करना, वो सब एक नाटक था, सिर्फ नाटक। नाटक? हाँ सूरज, मैं तो पहले दिन से ही तुम पर मर मिटी थी, लेकिन तुम्हारा पहनावा और तुम्हारा गंवारूपन बीच में आ गया। अरे तुम शहर की लड़कियाँ कैसे कैसे रंग बदलती हो, इतना तो मैं अब जान ही गया हूँ रागिनी जी। नहीं सूरज, नहीं, मैं हमेशा तुम्हें अपने सपनों के राजकुमार के रूप में देखना चाहती थी, और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने तुम्हें बदल कर पाना चाहा। मैं तुम्हारे प्यार को समझ चुका हूँ रागिनी।
हे भगवान, इस लड़की ने तो परेशान कर दिया। 2 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते, आज तो इसे लेट होना ही है। कहाँ थी तू? मैंने तेरे से बोला था ना 1 घंटे पहले तैयार होना। अरे भैया, वो पापा ने मुझे फूलों पे पानी डालने के लिए लगा दिया था। अरे तू जा, जल्दी जा, अपनी कॉपी लेगा। भैया मैं तैयार तो हूँ, बस मैं अभी कॉपी लेके आती हूँ। वैसे क्या बात है, आज बड़े चहक रहे हो। कुछ नहीं, तेरे को किसी से मिलाना है, चल तू। ठीक है, मैं कॉपी लेके आती हूँ। जल्दी लेगा। ये तो मुझे कहाँ ले आए भैया? अरे तू बैठ, बैठ यहाँ। ठीक है। अच्छा ऐसे कर, अपनी आंखें बंद कर। पर क्यों? आंखें बंद कर। चल अब अपनी आंखें खोल और गौर से देख अपनी होने वाली भाभी को। रागनी तू? अच्छा, हमारे सामने दुश्मनी का नाटक और चोरी चोरी चुपके चुपके पीछे ये सब। यही तो मैं चाहती थी रागनी, क्योंकि ये जो मेरे भैया है ना, तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। मुझे माफ कर देना लता, मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत दुख पहुंचा है ना। पर तू यहाँ क्या कर रही है? वो पापा का एक्सीडेंट। अरे भैया, तुमने मुझे बताया नहीं कि वो कल मैं भूल गया था तुझे बताना। अच्छा रागनी, अंकल की देखभाल मैं करती हूँ और तुम मेरे भैया को जरा शहर की हवा खिला लाओ। लेकिन लता लेकिन कुछ नहीं, मेरी होने वाली भाभी। चलें। रागनी से है? तुझे मालूम नहीं है कि रागनी मेरी है, सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने मेरे और रागनी के बीच आने की हिम्मत की तो मैं इसकी सांसों को उसके आलम के बीच डाल के निकाल लूंगा। छेड़ा हुआ वो शिकार ऐसा छबीला है, गबरू गवार, गबरू गवार, गबरू गवार, ये गबरू गवार। Go!
कदर तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्चे पे हाथ उठाने की? तू जानता नहीं शायद वो कौन है? इस शहर के कौन है हम दो और वो हमारा छोटा भाई है। प्लीज सूरज, फॉर गॉड सेक, तुम कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस चले जाओ। क्यों रागनी? सूरज, क्योंकि तुम नहीं जानते, जिन लोगों से तुम्हारा झगड़ा हुआ ना, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो तुम्हें जान से मार डालेंगे सूरज। रागिनी, तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? मुझे प्यार पर भरोसा है सूरज, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर नहीं है, पता नहीं कब रूठ जाए। रागिनी, तुम क्यों डर रही हो? मुझे उन लोगों की औकात पता चल चुकी है। वो वही लोग हैं जिनका मेरे साथ गांव में झगड़ा हुआ था। मैंने वहां भी उन्हें मारा था और मैं यहां भी उनको मारूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सूरज, पर मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं खो सकती, कभी नहीं। रागिनी, तुम क्यों डरती हो? कुछ नहीं होगा। भाई, यही है वो कमीना जिसने मुझ पर और विक्की पर हाथ उठाया था। तूने मेरे भाई विक्की पर हाथ उठाया? विक्की पर? हाँ, तू मुझे नहीं जानता? हाँ, दिल्ली मुझे सलाम, ओके सलाम। तेरा मोह हास्य करूँगा, तुझे तेरे घरवाले पहचान से निकाल कर। जरे, जरे, जरे। जाओ दिल्ली के सारे, बहुत देखे तेरे तरह के डाउन। तू के तो यहाँ मारू, तेरी दिल्ली मारू, और तू के तो तेरे घर मारू। बोल कहाँ पे टेको? बोल कहाँ पे टेको? ए छोरे, सारे के सारे गोलियां तेरे पेट में उतार दूंगा। दल्ले 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 इन तमन चांद ने बहुत देखे मामा ये भटाके लेन ने। बच्चा बाप किया, लेकिन आज के बाद तूने मेरे दोनों भाई विक्की और इसपे हाथ उठाने की कोशिश करना, तेरे दोनों आंखें निकाल कर तेरे हाथ पर रख दूंगा, समझे ना? जब दिल करे आ जियो, चल। सूरज रे जगते रहना। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? भैया राम राम। राम राम, यहाँ कैसे? अरे क्या बताएं, सोते पीते खाते जागते उठते बैठते हर तरफ यानी हर शक्ल में सूरज ही दिखता है। क्या करें, बहुत परेशान हो गए, सूरज के बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाए। अरे सूरज शहर चला गया, उसे इंसान बन लें दे। अरे अब तो हमारे साथ क्या मौका था? बात करते हैं इंसान इंसान। भाई तुम बात करो बस ही रहा। भैया हमें ना सूरज का पता दे दो। के करे पते का? हम भी शहर जाएंगे। शहर कोई न जा। शहर जाएंगे हम भी। ना ना कोई न जा। तू पूछ। हेलो, हाँ नमस्ते फूफा जी। नमस्ते बेटा, क्या हाल है सुधीर? ठीक ठाक है, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और वो कैसा सूरज? अरे वो भी बहुत अच्छा है बेटा। अच्छा, ऐसा करो तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पे चले आओ। क्यों, क्या बात होगी? उसने फिर कोई बखेड़ा कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, कोई बखेड़ा नहीं किया, उसने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। लड़की देख ली उसके लिए? अब तो सूरज की शादी हो जाएगी है। अच्छा बाय। ठीक है फूफा जी। अच्छा हम्म,
रागिनी? हाँ? पता है आज ना गांव से मेरे भाई सुधीर आ रहे हैं। हाँ बाबा पता है, गांव से तुम्हारे सुधीर भाई आ रहे हैं फूफा जी के साथ, और वो मेरे पापा से आज बात करेंगे। और हाँ हाँ और बता दूँ? हाँ बताओ। और नहीं और नहीं बता दूँ। अरे 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 रागिनी, कहाँ है रे फूफा जी? यू ही मकान है भैया। अरे देख 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 ढंग में चलो रे, काम ना आयु शहर है। मकान है देखो क्या बात है, वही बात। बच के बच के देख कितना बड़ा बर्तन है पानी भरने को दे देते। राम राम फूफा जी। अरे सुधीर भैया। अरे सुधीर बेटे आ गए। आओ बेटा आओ, बैठो बेटा। प्रणाम भैया। जीते रहो जीते रहो। बुआ जी। अरे तू भी आया है। फूफा जी राम राम। जीते रहो बेटे। ये समझ लो आप जब से सूरज को लाए हो ना, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है, सारी गाय भैंस सुस्त पड़ गई हैं। भैया लो पानी। बाकी बात तो मैंने तुम्हें टेलीफोन पे बता ही दी थी, मैंने लड़की के माँ बाप से बात कर ली है। जब आपने बात कर ली है तो ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। वैसे लड़की कैसी है? लड़की बहुत सुंदर है बेटा, अपने लता के ही कॉलेज में पढ़ती है, हम सब उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं बेटा। चलो इसी बहाने वो गवार भी सुधर जाएगा। ये कौन आ रहा है? नमस्ते भैया। अरे भैया आप कब आए? अभी अभी पहुंचा हूं। तेरी बात हो रही थी, कैसा है तू? भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुषार कैसा घर पे? ठीक ठाक है। तेरा मन तो लग रहा है यहाँ से? हाँ भैया मेरा मन लग रहा है यहाँ पे। अरे बसीरा मलूका? हाँ इन्हें भी साथ ले आया मैं अपने। सूरज 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 भैया, वाह 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 वाह। ये समझ ले भैया, ये सब सुस्त पड़ गया है, पूरी जान चली गई थी, अब आई है। भाई वाह बहुत अच्छे। क्या भैया स्वागत ऐसा ही होता है क्या? ये पतीला है क्या है? ये खड्डा है। बुआ पुपा कहाँ कर रहे हैं हमें? अरे इसमें नहाते हैं। या मैं लेट लेट के नहाए क्या? वाह वाह भैया तो काम ले चल भैया, यहाँ मैं गाय भैंस तैर तैर के नहाएंगी। हाँ ले चल ले चल। वो अखरोट का पेड़ है। वो अच्छा अच्छा क्या? वो नारियल का पेड़ है। ऊ क्या भैया ऊ क्या? ये जंगल जलेबी का पेड़ है। ये मकान अगर थारे फूफा को मैं अगर गोद ले लूं तो मारा भी हो जाएगा। अरे तू तो बहुत चालाक है मलूका। अच्छा एक बात तो है, जब हम काम से आ रहे हैं तो रास्ते में पता क्या हुआ? क्या हुआ? रास्ते में भैया ने दिखा दी फिल्म। अच्छा। और भैया जब जब चला फिल्म का सीन तो बढ़िया मजा आया। क्या चला? पर पता नहीं अदरासी मदरासी सीन था, पर जब शुरू हुआ फिल्म का सीन तुम अन्ना येंडर मंडर पनल्ला हैं? हाँ येंडर मंडर पनल्ला। अरे कौन सी भाषा बोल रहा है? पनल्ला पनल्ला येंडर मंडर तस्कल मंडर पनल्ला है। और पता है वहाँ में आदमी औरत कैसे गा रही थी? कैसे गा रही थी? तार मंडो आप डिल्ला तार मंडो आप डिल्ला कोरियल्ला सब डिल्ला कोरियल्ला अब डिल्ला है। ऐसा था। हाँ और क्या हुआ? और एक गंजा आदमी आया और सीधा बोला, अरे भाई मैंने कहा मुकेम्बो तभी खुश होगा। अरे वक्तावर से कह दो हम यहाँ आए हैं। और तभी अंग्रेजी फिल्म का सीन शुरू हो गया। इट्स ओके अब द अच्छे द बीबी ऑफ द बच्चे ओ माय चिप फैंसी यू फाइन एंड फैंसी यू प्लीज चिप फैंसी टू टाटा ओ नो माय डार्लिंग डोंट टच मी कम ऑन। और हाँ पता है अंग्रेजी फिल्म की सिंगर कैसे गा रही? औरत गायिका कैसे गा रही? जैसे उनके घर में कोई मर गया हो। वो अभी मत रो। और पता है अंग्रेजी फिल्म के जो आदमी पता है कैसे काम है? ऐसे काम है जैसे उनके पेट में ढेर सारी कब्ज हो रही हो। या, वेनस्कुनिन्यारा,
just like food. I am relaxed. ये सब मेरे फिल्म में मजा आया। हाँ। अच्छा चलो कोई बात ना, अब मकान देखते हैं। अच्छा हरियाणा का भी? हरियाणा? हाँ हरियाणा का, वो देखो, उना सुरेंद्र शर्मा, वो निकल गया भीट में से बोलो। रे चार लाइन सुना रिया हूँ। डॉक्टर जाट से बोलो, रे जाट, थारी जाटनी की हालत तो बहुत ही सीरियस है। 1500 रुपया में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जाट बोलो, रे डॉक्टर, हमारे पास तो 500 रुपया है। रहने दे, 500 रुपया में तो नहीं जाटनी भी आ जाएगी। भाई वाह, मैं तो कहूँ मजा आ गया। क्या हुआ सत्या भैया? जग्गा भैया, उस हरामखोर ने आज भैया के साथ जवान लड़ाई। और तन्ने के चूड़िया पहन रखी थी, जवान खींच रहे था वही साले की। अरे ये मेरे सत्या भैया हैं, इनकी तरफ कोई आग उठा के देखे ना, आँख निकाल के खा जाएगा जग्गा। बात करता है, सूरज ने बदतमीजी की। शांत हो जाओ मेरे भाई, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं भैया, कैसे? आग दहक रही है मेरे सीने में, और ये आग जब बुझेगी, जब मैं सूरज का खून पी जाऊंगा भैया, खून पी जाऊंगा। आग उधर भी दहक रही है, उसकी आंखों में मैंने झांक कर देखा है, झांक कर। सत्ता ने आज तक हार नहीं मानी, सिर्फ इसलिए दिल से नहीं, दिमाग से काम करता है, दिमाग से। कोई बीच में नहीं आएगा। कौन है? वो है भैया रागिनी। तेरी मोहब्बत ने मुझे वैश्य बना दिया है, तूने मेरे प्यार को ठुकराया। अच्छा नहीं किया, मैं तुझे हासिल करके रहूंगा। उठा ला साली को। प्रदीप, ये क्या कर रहे हो? भाई, ये उसकी छोड़ो मुझे। उठा इस चिकनी को भी। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्रदीप। कोई बीच में नहीं आएगा, काट डालेंगे सारे को। हट। ये क्या बेहूदगी है, कहाँ ले जा रहे हो लड़कियों को? चल हट बुढ़िया। अरे कोई बचाओ उन्हें। मुझे नए कपड़ा लेने वाले? अरे दिलाएंगे बेटा, शाम को दिलाएंगे। अच्छा ठीक है, तू कहाँ है? अरे इसे फोन कहते हैं बेटा। ऐसे क्या फोन? अरे जब इसकी घंटी बजती है ना, तो इसको सुनते हैं। अच्छा, वो बाहर से। अरे दिखा यार, मेरे को दिखा। फोन आया। हेलो, क्या कौन बोल रहे हो तुम? हैं सूरज, सूरज क्या हुआ, क्या हुआ पुप्पा जी? इस घर की इज्जत को सूरज, बचा ले बेटा इस घर की इज्जत को। जा सत्या।
हीरा प्रदीप उड़ा दे सालों को। कुत्ता नहीं छोड़ूंगा। आखिरी किरण बुता कर तुमको सारे बुता के मार ए चक्का मार इसको मार मार भैया बचाओ सूरज भैया बचाओ
भैया की जाने तो भैया गबरू गवार गबरू गवार गबरू गवार।